आज हम बनाएंगे 2.25 मीटर कपड़े में फुल लेंथ लेयर्ड गाउन। इसका अच्छा खासा घेर आया है। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले हम नाप जान लेते हैं। मुझे 51 इंचेस का गाउन बनाना है, तो उसमें से 15 इंच की ऊपर की चोली रहेगी और बचा हुआ 36 इंच नीचे का घेरा रहेगा। अब जो नीचे का 36 इंच का घेरा है, उसमें मैं 3 लेयर्स लगाने वाली हूँ। तो 3 से अगर मैं भागती हूँ तो 12 12 इंच के 3 लेयर्स मेरे नीचे की तरफ आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको भी अपने साइज का नाप निकालना है। यहाँ पर मैंने गाउन बनाने के लिए 2.25 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है, लेकिन जरूरी बात यह है कि इसका पन्ना जो है वो 60 इंच का है। कपड़े के ऊपर आपको निशान नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैं कागज के ऊपर आपको चोली का कटिंग बताऊंगी। तो चोली की तैयार लंबाई है 15 इंच, अधिक 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 16.5 इंच पर मार्किंग हो गया। उसके बाद 7.25 इंच शोल्डर लिया है, जो भी आप नॉर्मल कुर्ती में नाप डालते हो सारे उसी तरीके से डालने हैं। 1.25 इंच का मैंने शोल्डर ड्रॉप यानी शोल्डर स्लोप लिया है और उसके नीचे आर्महोल का मार्किंग किया है 7.75 इंच पर। अब यहाँ पर मेरा चेस्ट साइज जो है वो 34 इंच का है। ठीक, तो चेस्ट 34 है, तो चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, 1.25 इंच का लूजिंग, तो 9.25 इंच पर मार्किंग हो गया। मर 30 इंच है, चौथा भाग 7.5 इंच, 0.5 इंच का लूजिंग और 1 इंच का डार्ट, टोटल 9 इंच पर मार्किंग हो गया। अब यहाँ पर हम फुल बस्ट का मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि कमर में डार्ट है तो फुल बस्ट में अपने आप लूजिंग आ ही जाता है। कमर का चौथा भाग 7.5 इंच हुआ, उसका आधा करेंगे, जो कि हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है, और यहाँ पर डार्ट पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर सीधी लाइन बनाएंगे। अब ये डार्ट की लंबाई कितनी रखनी है, तो चेस्ट लाइन के नीचे कम से कम 1 से 1.5 इंच होना चाहिए और चौड़ाई आधा आधा इंच दोनों साइड में, मतलब टोटल 1 इंच। अब बाहर की तरफ 1 1 इंच का मार्जिन भी रखेंगे। अब शोल्डर पट्टी जो है वो तैयार मेरी 2.25 इंच है, अधिक 1.25 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो 3 इंच टोटल मैं यहाँ पर रखूंगी। 3 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया और जो शोल्डर स्लोप की लाइन है वो तिरछे में यहाँ पर जोड़ दी। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है नेक के शेप के लिए, तो इस तरीके का आप पैटर्न स्केल ले सकते हो या फिर नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से लाइन बनानी है और यहां से पीछे का गला मैं 3.5 इंच रख रही हूँ और यहां से इस तरह से लाइन बना के गले की गोलाई दूंगी। तो अगर आपको देखना है कि सिंपल कुर्ती कटिंग कैसे होता है, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए हैं, जरूर देखिएगा। अब यहां से यहां देखेंगे कितना है, उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि यहां पर हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। थोड़ा सा अंदर लेके जाके पॉइंट दिया है और यहां पर हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। थोड़ा सा से मेरा मतलब है 1/4 इंच आप अंदर आ सकते हो और फिर वहां से गोलाई दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा बैक पैटर्न। अब हम इसका कटिंग करेंगे और उसके बाद फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ और एक पेपर है, जो कि फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में यहाँ पर कटिंग करूंगी, बस यही तक। यहां तक अब हम गले का कटिंग नहीं करेंगे बैक का, पहले हम बीच में से कटिंग करेंगे, फ्रंट को अलग करेंगे और उसके बाद हम बैक का कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट रहेगा। अब बैक का हम गले का कटिंग करेंगे। अब इस बैक को हम इस तरह से फ्रंट के ऊपर रखेंगे, आर्महोल की साइड तक की तरफ ही होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ऊपर से 1 इंच नीचे मार्किंग करेंगे और आर्महोल की साइड से भी 1 इंच अंदर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए हमें बैक पैटर्न उसके ऊपर रखना है। देखिए, साइड से भी 1 इंच और ऊपर से भी 1 इंच, इस तरह से रखकर हमें ऊपर की और साइड की लाइन खींच देनी है। अब बैक को हम साइड में रखेंगे और ये जो दो लाइंस बनी है, बस आर्महोल की तरफ इस तरह से अंदर की शेप दे दीजिएगा, ये फ्रंट का शेप रहेगा। और यहां से हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है इस तरीके से। तो यहां पर हम गला बनाएंगे फ्रंट का। फ्रंट का गला आप अपने मर्जी अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो, मैंने 7.5 इंच लिया है। डीप पसंद है तो 7.5 इंच रखिए या फिर आप 7 इंच भी रख सकते हो। अब मैं इसका कटिंग करूंगी। भूलिएगा नहीं, हमें 90 डिग्री एंगल लाइन बनाकर ही गले का शेप देना है, इससे हमारे गले बहुत अच्छे बैठेंगे।
अब देखिए फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गए, तो फ्रंट को मैंने पलट दिया है इसलिए फिर से एक बार फ्रंट लिख देती हूँ यहाँ पर। अब देखिए बैक और फ्रंट यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर डार्ट का मार्किंग करेंगे। डार्ट का जो पॉइंट है वो फ्रंट का और बैक का मैंने सेम रखा है, और डार्ट की लंबाई जो है वो चेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच तक रखेंगे। हर साइज के लिए आप 3.5 इंच नीचे जा सकते हो। और फिर यहाँ पर दोनों साइड में आधा आधा इंच यानी कि टोटल 1 इंच, और ये डार्ट लाइंस बना दी। और साइड में हमारी सिलाई मार्जिन भी रहेगी। फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं। स्लीव्स कटिंग के लिए आर्म होल का राउंड नापना है, तो ये है 1.25 इंच। तो आप फ्रंट का नापो या फिर बैक का, दोनों का सेम रहेगा। तो 1.25 इंच हमारा आ गया है। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है। स्लीव्स की लंबाई मैंने 16.5 इंच रखी है, कैप हाइट 1.25 इंच। और फिर अभी हमने जो आर्म होल का राउंड नापा था वो आया था 1.25 इंच। तो यहाँ पर तिरछे में 1.25 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ पर फ्रंट और बैक का शेप दे देंगे। तो स्लीव्स के ऊपर भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है बेसिक स्लीव पैटर्न का, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अब ऊपर की तरफ जितनी चौड़ाई है उतनी ही नीचे की तरफ रखनी है, मतलब कि आपको सीधी लाइन बनानी है, और बाहर की तरफ 1 इंच का मार्जिन। सीधी लाइन इसलिए बनानी है क्योंकि नीचे की तरफ हमारी चुन्नटे आएगी, ये बलून टाइप स्लीव्स होगी हमारी। तो इस तरीके से स्लीव्स का कटिंग हो गया है। अगर आप सिंपल स्लीव रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब ये सारे कागज के पैटर्न हम कपड़े के ऊपर रख देंगे। तो कपड़े को मैंने पूरी तरह से खोल दिया है। ये कपड़े की पूरी लंबाई है जो 1.25 मीटर है, और ये चौड़ाई है जो 58 इंचेस है। मैंने पहले ही बताया था आपको ज्यादा चौड़ाई वाला कपड़ा लेना है। ये कपड़ा मुझे लगभग 100 रुपए मीटर के आसपास पड़ा था, तो टोटल मेरा जो कपड़े का कॉस्ट है वो 225 के आसपास होगा, और 225 में फुल लेंथ गाउन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चौड़ाई में मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, और नीचे से जो एक्स्ट्रा का था उसे मैंने फोल्ड करके रखा है और ऊपर से खोल दिया है। अब जो पेपर पैटर्न है वो मैंने सारे ले लिए हैं। फोल्ड वाली साइड की तरफ हमें बैक पैटर्न रखना है, इस तरफ स्लीव्स रख दिए, और फ्रंट को भी फोल्ड वाली साइड में रखा है। अब सबसे पहले जो बैक है वो सीधी लाइन में कटिंग करूंगी। अब यहां पर आपने देखा होगा जितनी चोली की लंबाई है उतनी ही मैंने स्लीव्स की रखी थी, तो एक लाइन में ये पूरा कट हो गया है। तो देखिए ये बैक और हमारे स्लीव्स, दो स्लीव्स यहां पर निकल के आ गए हैं, ये देख सकते हो आप। अभी हमारा फ्रंट बाकी है कटिंग करना, तो फ्रंट का भी कटिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहले फ्रंट पैटर्न की जितनी भी लंबाई है वो मैं सीधा कट करूंगी। तो यहां से मैं इसको सीधा कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद अब ये जो कपड़ा है इसे मैं खोल दूंगी, और जितनी हमें फ्रंट में कपड़ा चाहिए उतना ही फोल्ड करके लूंगी, कुछ इस तरीके से। जितनी फ्रंट की चौड़ाई है उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है, और फ्रंट को उसके ऊपर रखकर कटिंग कर देना है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है जो हमारे नीचे की तरफ लेयर्स लगेंगे उसमें काम आएगा। अब फ्रंट का मैंने शेप अनुसार कपड़ा कटिंग कर दिया है, और फ्रंट का चोली का पैटर्न भी निकल के आ गया, इसको भी साइड में रखेंगे। अब ये कपड़ा यहीं पर मैं रखूंगी, और हमारी जो लेयर की लेंथ है वो निकल के आई थी टोटल 12 इंच की। तो 12 इंच अधिक 1 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लगेगा। तो टोटल मैंने 13-13 इंच पर मार्किंग किया है, और यहां से मैंने सीधा कटिंग किया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारे स्लीव्स के नीचे की तरफ जो पट्टी लगेगी इलास्टिक के लिए उसमें काम आएगा। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था हमारे सारे लेयर्स की लंबाई एक जैसी ही है, तो 13-13 इंच के ही हमें लेयर्स का कटिंग करना है। तो इसको कपड़े को मैंने खोलकर यहां पर रख दिया, और सारे लेयर्स की लंबाई एक जैसी है, तो बस पूरा कपड़ा खोलकर मैं इसी नाप के सारे लेयर्स कट कर दूंगी। तो यहां पर देखिए यहां पर मैंने ये कट कर दिया। अब उसी कपड़े को मैं उठाऊंगी और यहां पर रख दूंगी। ये तो हमारा हो गया एक, और फिर से मैं यहां पर इसको बिछा के ये दूसरा वाला भी कटिंग करूंगी। इस तरीके से हमारे टोटल यहां पर 5 लेयर्स कट होंगी। ठीक, तो एक एक करके मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके लेयर्स की लंबाई कम आती है, आपके गाउन की लंबाई अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही लेयर्स की लंबाई भी आपकी कम आएगी, तो आपके 5 से ज्यादा लेयर्स भी यहाँ पर निकल सकते हैं और घेर और ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर लगभग मेरे
पांच पीस कट हो चुके हैं एक के नीचे एक, तो इन पांचों को एक दूसरे को जोड़कर हम थ्री लेयर्स बनाएंगे। अब देखिए, पांच पीस कट करने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बचा है मेरा, क्योंकि मेरा 2.25 मीटर से थोड़ा ज्यादा था इसलिए वो बचा है, तो उसको मैंने साइड में रख दिया। अब ये वाला जो पीस है ना, इसको मैंने फोल्ड किया है और इसे मैं रखूंगी इस सेकंड वाले के ऊपर। अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट लेयर है, ये दोनों पीस मिलकर यानी नीचे का और ये छोटा वाला दोनों जोड़कर एक दूसरे को सेकंड लेयर बनेगा, और ये तीनों एक दूसरे को जोड़कर हमारा थर्ड लेयर बनेगा यानी तीसरा लेयर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले से ज्यादा सेकंड रहेगा घेर में और सेकंड से ज्यादा थर्ड रहेगा घेर में। तो पहले हम ये दो पीसेस एक दूसरे को जोड़कर लेंगे, मतलब आपको यहां पर सिलाई लगानी है मशीन के ऊपर। अब मैं हाथ से इसलिए लगा रही हूं ताकि मैं यहीं पर आपको सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। तो हाथ से मैंने बस टाके लगाए हैं बड़े वाले और ये एक दूसरे को जोड़ दिया। बाद में यहां पर मैं मशीन के ऊपर स्टिच लगाऊंगी। तो सेकंड लेयर हो गया, अब थर्ड लेयर भी हम बनाएंगे। तो थर्ड लेयर के लिए भी ये जो तीनों पीसेस है वो हम एक दूसरे को जोड़ कर लेने हैं। तो फिर आप यहाँ पर डिजाइन यानी आपके प्रिंट और उल्टा सीधा देखकर एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है, और फिर यहाँ पर मैंने इसको हाथ से जोड़ दिया है, आप मशीन के ऊपर सिलाई लगा दो। ठीक, तो ये देख सकते हो दो पीस एक दूसरे को जुड़ गए हैं। अभी हमारा तीसरा पीस भी बाकी है, तो उसको भी मैं इसके ऊपर रखकर हाथ से टाका लूंगी। यहाँ पर मैं हाथ से टाके ले रही हूँ, लेकिन आप मशीन के ऊपर लीजिएगा। ये बस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बीच में ही ब्रेक ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर हाथ से टाका लेकर आपको दिखा रही हूँ। तो हाथ से टाका लेकर मैंने इसको जोड़ दिया है, तीनों पीसेस एक दूसरे को जोड़ लिए हैं मैंने। तो ये हमारा होगा थर्ड लेयर। ठीक, तो फर्स्ट लेयर से ज्यादा सेकंड हो गया है और सेकंड से ज्यादा थर्ड लेयर हो गया है। तो इस तरीके से ये तीनों लेयर्स हमारे यहाँ पर अभी रेडी है। अब बस इनमें हमें चुन्नटे डालनी है, तो बहुत छोटी छोटी चुन्नटे हमें यहाँ पर डालनी है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर चुन्नटे डलेगी, बहुत छोटे छोटे और पास पास चुन्नटे रहेगी। फर्स्ट लेयर के हम पहले चुन्नटे लेंगे और ये मैं आपको मशीन के ऊपर दिखा दूंगी, और सेम तरीके से हम सेकंड और थर्ड में भी चुन्नटे डालेंगे। तो ये पूरे चुन्नटे डालने के बाद किस तरह से दिखेगा, देखो कुछ इस तरीके से। तो जो पहला वाला लेयर की पट्टी की लंबाई है उससे 1.5 से 2 गुना सेकेंड वाले की होनी चाहिए कम से कम, और थर्ड वाला भी ऐसा ही होना चाहिए। जो सेकंड पट्टी है उससे थर्ड पट्टी हमारी 1.5 से 2 गुना एक्स्ट्रा होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम चुन्नटे लेके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट लेयर लिया है जिसमें कोई जोड़ वगैरह हमने नहीं दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही बारीक चुन्नटे आएगी, जैसे आप देख पा रहे हो। हाथ से भी आप चुन्नटे ले सकते हो या फिर सुई से भी, से ज्यादा सुई से बहुत अच्छी और छोटी छोटी चुन्नटे आती हैं, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हो। सुई से बस आसानी से ये कपड़ा गैदर हो जाता है और चुन्नटे भी आती है। तो इस तरीके से पहले वाले लेयर में हमने चुन्नटे बना दी है। अब इस लेयर को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख दिया, इसका हमें नाप लेना है। कोई भी बैक या फ्रंट कोई भी पैटर्न लीजिएगा आप चोली का। अब इसमें हमारे डार्ट आएंगे, तो डार्ट को इस तरह से दबा के रखिएगा 1-1 इंच का, और फिर देखिएगा दोनों साइड से फिटिंग होगी 1-1 इंच की, और उसके बाद हमारा नीचे का घेरा ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये बराबर से है, अगर आपका कम हो रहा है तो थोड़ी चुन्नटे खोल दीजिएगा, ज्यादा हो रहा है तो एक्स्ट्रा की चुन्नटे लीजिएगा, उसके अनुसार आपको रखना है। तो मेरा तो बराबर से है तो इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगी। अब ये लेयर तो कंप्लीट है। ठीक, अब जिस तरीके से मैंने इसमें चुन्नटे ली है सेम तरीके से मैं इस सेकंड वाले में और थर्ड वाले में चुन्नटे लेके आपको दिखाती हूँ। तो यहां पर मैंने चुन्नटे ले ली है जिस तरीके से पहले वाले में ली थी, सेम मैंने सेकंड वाले में भी चुन्नटे ली है सुई की मदद से, और सेम तरीके से थर्ड लेयर में भी मैंने चुन्नटे ली है सुई की मदद से। चुन्नटे तो हमारी हो चुकी, अब इसको जोड़ना कैसे है वो देखेंगे। तो पहले ये थर्ड वाला मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड जुड़ेगा एक दूसरे को। अब जो फर्स्ट वाला है उसे मैं पहले इस तरह से फैला के रखूंगी। अब चुन्नटे वाली साइड ऊपर की तरफ है और प्लेन साइड नीचे की तरफ है। अब ये सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाले की जो चुन्नटे है वो ऊपर की तरफ रहेगी, और बस आपको इस तरह से नाप कर देखना है कि ये बराबर से है या नहीं।
कम है या ज्यादा है उसके अनुसार आपको यहाँ पर चुन्नटे खोलनी है या फिर एक्स्ट्रा लेनी है। तो मेरा तो यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसके बीच बीच की चुन्नटे खोल दूंगी, एक ही जगह की चुन्नटे नहीं खोलनी। जैसे कि मैंने यहां से एक चुन्नट खोल दी, यहां पर एक चुन्नट में खोल दूंगी, यानी धागा तोड़ टाका तोड़ दूंगी तो यहाँ पर चुन्नट निकल जाती है। तो 3 से 4 चुन्नटे इस तरह से निकाल के फिर से एक बार मैंने नाप कर देखा है। यहां पर भी मैं 1-2 खोल देती हूँ और अब ये बराबर से आ गया है। ठीक, तो अब हमें इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के तरीके 2 हैं, एक तो आप ऊपर से भी जोड़ सकते हो और या फिर इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ूंगी उल्टी साइड से, तो बस एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखना है और सिंपल ही हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये प्लेट्स वाली साइड है और ये प्लेन वाली साइड है। अब ये सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर की ये प्लेट्स वाली साइड है, तो प्लेट्स वाली साइड प्लेन वाली साइड की तरफ लगेगी। बस इसका ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत कीजिएगा। तो यहां से हम शुरू करेंगे और जैसे कि हमने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा ही था, तो आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो बस आपको लगता है कि अगर सेकेंड वाला लेयर ज्यादा हो रहा है तो एक आध प्लीट आप ले सकते हो सिलाई लगाते लगाते, और अगर आपको लगता है कि कम पड़ रहा है तो आप एक आध प्लीट खोल भी सकते हो। तो बस सिंपली मैं यहाँ पर सिलाई लगा के लूंगी। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये पूरी सिलाई मेरी लग चुकी है। अब देखिए पूरी सिलाई हमने लगा दी है, फर्स्ट और सेकेंड लेयर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ज्वाइंट हो गए हैं। अब बारी आती है थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर हमारा जुड़ेगा ये नीचे के सेकेंड लेयर को। तो थर्ड लेयर को हमने चुन्नटे लेकर रख दिया था, बस उसको मैं यहाँ पर खोल दूंगी और जो चुन्नटे यानी प्लेट्स वाला हिस्सा है वो इस तरीके से मैंने अपने हाथ में लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो ये प्लेट वाला हिस्सा है और इसे इस तरीके से हमें रखना है। ठीक है, अब जो नीचे का सेकेंड वाला लेयर है वो पूरा प्लेन रहेगा। ठीक, और उसके ऊपर ये प्लेट्स वाला हिस्सा रख के हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ऊपर का, तो कोई बात नहीं, इसमें हम बीच बीच में इस तरह से प्लेट्स लेके इसको पूरा कवर कर देंगे। तो यहाँ पर बस हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है पूरे में, जिस तरीके से पहले वाले में मैंने सिलाई लगाई थी सेम तरीके से इसमें भी मैं लगा के लूंगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है जैसे मैंने फर्स्ट वाले लेयर में लगाई थी सेम तरीके से। तो तीनों लेयर्स हमारे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और ये बहुत ही सुंदर घेर हमारा बनकर आया है। ये देख सकते हो आप, तीनों लेयर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड किया है। अब जबकि इसकी एक साइड खुली है तो उसे हमें बंद करके लेना है, यानी कि इस साइड से हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो इस साइड से तो ये बंद है, बस इस साइड से खुला है, तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए ये है हमारा नीचे का घेरा और यहाँ पर बस आधा इंच का ही मार्जिन मैंने रखा है, ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से नीचे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है, क्योंकि अगर नीचे की तरफ ऊपर नीचे होता है तो कट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सिलाई और घेरा बिल्कुल हमारा बनकर रेडी है। तो इस तरीके से ये राउंड में हमारा घेरा रेडी है। अब ऊपर का चोली पैटर्न रेडी करेंगे। चोली में मैं अस्तर लगाऊंगी, भले ही मैं घेरे में अस्तर नहीं लगाने वाली, लेकिन चोली में मैं अस्तर लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाए। तो अब मैंने इसको यहाँ गले के ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दी है, बस गले के ऊपर ही लगाई है मैंने फिनिशिंग के लिए। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी। अगर आप अस्तर नहीं लगाना चाहते तो आप फ्यूजिंग पेपर का पैच बना के गले के ऊपर लगा सकते हो। जिस तरीके से ये कटिंग हुआ है सेम तरीके से इसको भी मैंने कटिंग किया। अब गले में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जो कि हम हमेशा लगाते हैं। सेम तरीके से फ्रंट में भी मैं कट्स लगाऊंगी। अब यहाँ पर गले को हम पलट देंगे। तो जबकि यहाँ पर लाइनिंग लगा हुआ है तो गले का फिनिशिंग यहाँ पर हो गया है। सेम तरीके से फ्रंट का गला भी मैं पलट दूंगी। तो फ्रंट और बैक दोनों गले का फिनिशिंग हो चुका है। अब साइड से ये खुला है तो साइड से हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे।
इससे लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे, बस साइड से सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर ले ली है, आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को अटैच हो गए हैं। सेम तरीके से फ्रंट पैटर्न में भी मैंने चारों ओर से सिलाई लगाई थी। अब इसके हम डार्ट लेंगे, तो डार्ट का मार्किंग मैंने ऑलरेडी किया है बैक के अनुसार बैक और फ्रंट के अनुसार फ्रंट का। अब इनको हम सिल कर लेंगे। तो डार्ट के लिए पहले आप, यहाँ पर मैंने लाइनिंग लगाया है इसलिए मैं यहाँ पर सीधी सिलाई पहले डार्ट के ऊपर से लूंगी और फिर उसके बाद डार्ट को इस तरह से फोल्ड करके डार्ट बनाऊंगी। अगर आपने लाइनिंग नहीं लगाया तो आप डायरेक्टली डार्ट बना सकते हो। और सेम तरीके से मैं फ्रंट और बैक दोनों के डार्ट बनाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों में डार्ट बनाने के बाद दोनों पैटर्न्स को बीच में फोल्ड करके रख दीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर रखना है। जैसे कि हमने नीचे की तरफ बैक है, ऊपर की तरफ फ्रंट रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो अच्छे से मिला के रखा है। अब आपको स्केल लेनी है और यहाँ से अच्छे से मिलाना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है क्योंकि डार्ट लेने के बाद कोने उतरते हैं तो उनको हमें कट कर देना है, या आप कटिंग करते टाइम भी कटिंग कर सकते हो। अब दोनों को खोल देते हैं तो नीचे की तरफ से आप देखो एकदम सीधा पैटर्न दिखेगा। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मैं यहाँ पर रखकर शोल्डर्स की सिलाई लगा कर लूंगी। तो एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है और सिलाई लगानी है। मैंने शोल्डर्स की सिलाई लगा दी है। अब आप देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों मैच नहीं कर रहे क्योंकि हमने फ्रंट 1 इंच नीचे काटा था। भले ही फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल कम ज्यादा हो लेकिन फिटिंग करते टाइम आप देख सकते हो बराबर से मैंने इसके ऊपर रखा है और फिर फिटिंग करनी है। पहले आपको स्लीव जोड़ने हैं उसके बाद फिटिंग करनी है। अब आप देख सकते हो बैक जो है वो आगे की तरफ आता है लगभग आधा इंच तक, क्योंकि बैक हमारा जो रहता है कंधे वो चढ़कर रहते हैं इसीलिए हम बैक एक्स्ट्रा रखते हैं। तो बस फिटिंग करने के बाद आपके बॉडी के ऊपर ये परफेक्ट फिट हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे उसके बाद फिटिंग होगी हमारी। तो पहले स्लीव्स रेडी करते हैं। स्लीव्स के लिए ये पट्टी मैंने ली है, लगभग ये पट्टी 2.5 इंच चौड़ी है और ये पट्टी कहाँ से निकली है ये भी मैंने आपको बताया था। तो उसे हमें इस तरह से लगाना है, पहले उल्टी साइड से हम इस पट्टी को लगाएंगे और फिर सीधी साइड में इसको पलट कर फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है और फिर से एक बार फोल्ड किया। तो यहाँ पर हम इलास्टिक डालने के लिए ये पट्टी लगा रहे हैं, इसके अंदर हमारे इलास्टिक जाएगा। बस इसी तरीके से दोनों स्लीव्स में आपको ये पट्टी लगा कर लेनी है। इसमें हम 1/4 इंच चौड़ा यानी 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक को मैंने इस तरह से हाथ के ऊपर रख दिया है, जैसे आप देख पा रहे हो, ना टाइट ना ज्यादा लूज, इस तरीके से नाप कर लेना है। तो मेरे नाप के अनुसार ये 8 इंच लंबा इलास्टिक मैंने कटिंग किया है और सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको इस पट्टी के अंदर डालूंगी। अब जैसे जैसे हम पट्टी को अंदर डालते हैं यानी इलास्टिक को अंदर डालते हैं पट्टी के, वैसे वैसे यहाँ पर चुन्नटे आती है। अब इलास्टिक पूरा अंदर ना चला जाए इसलिए इसका नोक पकड़कर मैं इसको यहाँ पर स्टिच कर दूंगी ताकि ये अंदर ना चला जाए और फिर बचा हुआ हिस्सा मैं अंदर डालूंगी। तो जैसे जैसे मैं अंदर डाल रही हूँ नीचे की तरफ अपने आप चुन्नटे आ जाती है। पिन को मैं निकाल दूंगी और ये दूसरा नोक भी यहाँ पर मैं स्टिच कर दूंगी ताकि ये अंदर ना चले जाए। तो यहाँ पर मैंने आगे पीछे करके सिलाई लगा दी है, लॉक कर दिया है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह से बहुत ही प्यारी चुन्नटे आ जाती है और ये बलून स्लीव्स का लुक आ जाता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी स्लीव भी मैं रेडी करूंगी। अब इसको मैंने सेंटर में फोल्ड करके एक सेंटर मार्क किया है। जोड़ने का तरीका बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्लीव्स की तरह रहेगा। इस स्लीव में कोई भी ऊपर की तरफ चुन्नटे नहीं आएगी, बस नीचे की तरफ ही इलास्टिक की जो चुन्नटे आई है बस उतनी ही। अब यहाँ पर शोल्डर की जो सिलाई है चोली पैटर्न की, वहां पर ये सेंटर का मार्क हम रखेंगे स्लीव का और वहां से अटैच करेंगे। पहले आप कोई भी एक साइड अटैच कर दो, उसके बाद बचा हुआ आधा हिस्सा अटैच कर दो, इससे स्लीव जो है वो एकदम सेंटर में अच्छे से बैठेगी। तो आधा हिस्सा मैंने अटैच कर दिया है, अब बचा हुआ आधा हिस्सा भी हम जोड़ देंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्लीव को मैंने ऊपर की तरफ कहीं भी चुन्नट नहीं ली है, जो भी चुन्नटे आएगी स्लीव में वो नीचे की तरफ जहां पर इलास्टिक लगी है वहीं पर। तो पूरी प्लेन स्लीव बैठी है और नीचे की तरफ ये इलास्टिक की वजह से चुन्नटे आ गई है। सेम तरीके से मैंने दूसरी स्लीव भी अटैच की है। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग का भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। जितना मार्जिन छोड़ा है हमने, 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, बस उतना मैंने कमर में 1 इंच का मार्क कर दिया
अब यहाँ आर्म होल की तरफ भी 1 इंच का मार्क कर दिया, ये पहले मैं जोड़ दूंगी, यहां से हमारी सिलाई आएगी। अब स्लीव्स को देखो, यहां से तो हम 1 इंच से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ मोरी की तरफ आते आते मार्जिन को कम करना है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं कम करते होते होते यहाँ मोरी तक बस 1/2 इंच का मार्जिन हमारा आना चाहिए। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये बलून स्लीव्स है। अगर आपकी सिंपल नॉर्मल स्लीव्स है तो आप जिस तरह से फिटिंग का आपका मार्किंग है, जितना मार्जिन छोड़ा है 1-1 इंच का, उतना आप लेके पूरा फिटिंग कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड का भी हमारा फिटिंग होगा, तो यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से फिटिंग कर दूंगी। फिटिंग मैंने कर दिया है चोली का, अब ये इसकी उल्टी साइड है, तो पहले मैं इसको सीधा करके लेती हूँ और जो नीचे का घेरा है वो उल्टा ही रहेगा, उसे सीधा नहीं करना। बस चोली पैटर्न को मैंने सीधा किया है, अब इसे हम नीचे का जो घेरा है उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको अंदर डाल दिया है। हमारे चोली पैटर्न की कमर की गोलाई उसको आप पकड़ लीजिएगा, उसके बाद जो नीचे का घेरा है उसे भी पकड़ लीजिएगा और दोनों की साइड्स मिलाते हुए यहाँ पर हमें पिंस लगाने हैं। ठीक है, नीचे के घेरे की साइड, साइड की सिलाई और चोली की साइड की सिलाई बराबर से मैच करते हुए दोनों तरफ मैंने पिंस लगा दिए। अब यहाँ सेंटर में भी 1-1 पिन लगा देंगे। ठीक, बस 4 पिंस मैंने लगाए और इसको गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर, अब पिंस को निकालते जाएंगे और बस सिलाई को पूरे गोलाई में घुमाते हुए लगा देंगे। अब ये सिलाई लगाते टाइम अगर आपको लगता है कि नीचे का घेरा जो है वो एक्स्ट्रा है तो 1 प्लेट आप ले सकते हो, और अगर लगता है कि घेरा कम पड़ रहा है तो 1 प्लेट आप निकाल भी सकते हो। तो बस पूरी गोलाई में आपको इसको जोड़ना है। यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, आपको डबल सिलाई लगानी है। तो पूरी सिलाई हमारी लग चुकी है और घेरा चोली को अटैच हो चुका है। अब अंदर की चोली पैटर्न को बाहर निकालेंगे। ये पूरी उल्टी साइड है, इसको मैं सीधा करके लेती हूँ, तो सीधे में आप देख सकते हो बहुत प्यारा लुक आया है। स्लीव्स भी इसके काफी सुंदर लग रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको मैच हो गए हैं, घेर भी अच्छा खासा आया है। अब नीचे की तरफ आप पिको करो या फिर डबल फोल्ड करो, कुर्ती या गाउन आपका रेडी हो जाएगा। ये है इसका फाइनल लुक। 2.25 मीटर कपड़ा होने के बावजूद भी इसमें घेर आप देख सकते हो, अच्छा खासा घेर आया है। लुक वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और आजकल ये लेयर्ड गाउन या फिर लेयर्ड कुर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो बनाना जरूर, बहुत ही कम खर्चे में अपनी फिटिंग की कुर्ती या फिर गाउन बन जाता है। अगर आप कुर्ती की तरह बनाना चाहते हो तो लंबाई थोड़ी कम रख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना, और कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।